हाँ गाइस, इन दिस वीडियो आई गिव यू द कंप्लीट कट ऑफ कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है एट योर परसेंटाइल और उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. ऑल दिस थिंग विल कवर अप इन दिस वीडियो एंड देन यू डिसाइड आपको करना कि नहीं करना. आई एम नॉट पिकिंग एनी फोन. मेरा गला भी दर्द हो रहा है यार सुबह से ये फोन उठा वो बात कर करके. सो नॉट टॉकिंग टू एनी वन नाउ. एंड ये वीडियो देखने का आपको पूरा आइडिया आ जाएगा. अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आया तो मतलब भाई तुम फिर क्या एमबीए करोगे यार. सिंपल सा लॉजिक है. ठीक, आई एम मेकिंग यू आत्मनिर्भर नाउ बाय वॉचिंग दिस वीडियो. टॉप थ्री जेबी सिनम सुमाया 99.5 पे कट ऑफ खत्म हो जाएगा. उसके नीचे नहीं मिलने वाला ओपन कैटेगरी वालों को. ठीक है, वर्स्ट केस 99.4 तक शायद विलिंकर मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ऐसे ही दामी पुंबा 98.8, चेतना एमबीटी 95, टॉप 10 93, टॉप 20 90% एमएस के लिए. फिर आ गया अपना पीजीडीएम के लिए सेकेंड पार्ट. आई टॉक अबाउट दिस इन टू मिनट्स. लेट मी गिव द डिटेल ऑफ दिस थिंग. सो ये अपना मेन थ्रेड है यहाँ पे पीजीडीएम. SIS, Dalmia and Willinker का ILS seat will be at 90-85%. अगर आपका 90 plus है, आपका बहुत बढ़िया चांस है कन्वर्ट करने का अगर GDPI अच्छा गया तो. या एट 80% इफ यू आर वेरी गुड इन GDPI यू विल कन्वर्ट इवन एट 85%. SIS, Dalmia, Willinker का ILS. ILS का फॉर्म कब आएगा, क्या होगा, आई अनाउंस वंस दे आर आउट. अभी नहीं अनाउंस होगा, ये सब 2-3 हफ्ते के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद आएगा ये. ठीक है, तो उनको वेट करना ही पड़ेगा उसके लिए. ओके, टॉप 10 के लिए 90-70% पे आपको टॉप 10 चेतना एमईटी सब एडमिशन मिलेगा, हर एक को देते वो लोग. ठीक है, एंड टॉप 20 के लिए 50% एंड टॉप 50 कॉलेज के लिए नॉन जीरो स्कोर. आप ceetking.com/CET पे जाओ. आई हैव अपलोडेड द कट ऑफ रैंकिंग ऑफ ऑल द कॉलेजेस इन सीईटी. ठीक है, वहां पे आपको रैंकिंग मिल जाएगा नॉन जीरो. बस तुम बस अप्लाई करो, एडमिशन मिल जाएगा. अब एक हंसपाल करके बच्चे ने मेरे से पूछा था, मेरे को 20% में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम MIT पुणे. लेट्स लुक एट दिस थिंग. मैंने इंक्वायरी किया था तो मेरा आया, तो विल आई गेट एडमिशन देयर और नॉट. बाबा तुम्हारा वो तुम्हें बुला रहे हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया प्लीज आओ, पैसा लेके आओ, खाली हाथ मत आओ, पैसा लेके आओ. तो नॉन जीरो स्कोर पे भी तुम्हें एडमिशन देंगे वो. या दिल एक्सेप्ट मैथ स्कोर, एटमा स्कोर, सब पे एडमिशन देंगे देंगे वो लोग. ठीक है, जाना नहीं जाना आपके हाथ में. ओके, नाउ लेट मी गिव यू द डिटेल ऑफ दिस थिंग एंड देन आई विल कम बैक टू दिस कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. आई विल टॉक अबाउट दैट इन टू मिनट्स. या दिस इज द डिटेल कट ऑफ. नाउ आपके पास आपका स्कोर है, परसेंटाइल आपके हाथ में है. ये टेबल आप खुद देखो. अगर किसी ने कमेंट में डाला कि मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, उसको मैं छोड़ेगा नहीं. लेट्स टॉक अबाउट अ गाय हेयर. वी हैव अ स्टूडेंट हेयर हु गॉट 99.8% ओपन कैटेगरी. ओपन कैटेगरी HU 99.8 पे उसको सिडनम मिलने का बहुत बढ़िया चांस है. या 91.7 वाले को भी सिडनम का चांस है, कैप राउंड 2-4-5 तक जाते आते. ठीक है, ओके, ठीक है. एससी कैटेगरी वी हैव अ स्टूडेंट विद 95%. एससी कैटेगरी एंड एनटी कैटेगरी का कट ऑफ सेम है. एससी कैटेगरी 95% आपको चेतना मिलेगा. ठीक है, तो पहले ये टेबल यूज करके आप पहले देख लो आपका कौन सा कॉलेज मिल रहा है. अभी किसको डाउट, सर मेरा तो पर्सनल लाइफ में है ही नहीं, मेरा 98.1 है. लेकिन 98.1 वाला तो कुछ है नहीं, तो भाई 98.25 को देख लो आप. जेवियर्स, चेतना, दोनों में से एक आपको मिल जाएगा. ठीक है, कैप राउंड 1 में मिलने का चांस है. ऑब्वियसली मिला नहीं, अभी मिलने का चांस है. और नीचे अगर जाना है तो ठाकुर कॉलेज इज एट 95%. और नीचे जाना है तो रिजवी 94-93, रामदेव बाबा इज एट 90%. या ओके, और नीचे जा दो त्रिपुरे कॉलेज, धनंजय गाड़गिल कॉलेज, अंबेडकर कॉलेज, एडमिशन आपको मिल जाएगा एमएस प्रोग्राम या एमएस की डिग्री में. ठीक है, सो आपका दिस विल क्लियर द कट ऑफ. कट ऑफ क्लियर हो गया, अभी वापस आ जाओ इसके ऊपर. नाउ दीज आर द कट ऑफ. टॉप थ्री मैं आपको दिखा दिया, ओपन 99.5, रिजर्वेशन वाले अपना देख लो. SIS डालमिया 98.8, चेतना एमिटी 95, टॉप 10 93, 90 के नीचे कोई भी टॉप 20 टॉप 30 कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देने वाला. ठीक है, एंड SIS डालमिया विफलिंकर PGDM आपको मिलेगा. दिस इज नॉट MS, सॉरी दिस इज PGDM. PGDM आपको एडमिशन में मिलेगा 90-85, प्रोवाइडेड GDPI अच्छा जाए तो. टॉप 10 एट 70%, टॉप 20 एट 50% एंड टॉप 20 टॉप 50 एट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, ओके, नाउ आ गया सेकंड क्वेश्चन, जाना कि नहीं जाना. SIS डालमिया तक एवरेज सैलरी
8 लाख है, अभी तक उनकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, बट 8 और 9 के बीच में रहेगा उनका इस साल का एवरेज पैकेज, विच इज अ वेरी गुड पैकेज. अगर रिपीट करने की हिम्मत नहीं है तो ले लो ऑब्वियसली. ठीक है, अब आगे टॉप 10 चेतना MET IAS. अगर यहाँ पे जॉब लगा तो 6 लाख का जॉब मिलेगा विद अ स्टार, अगर जॉब मिला तो, बिकॉज देयर इज नो गारंटी ऑफ द जॉब इन दीज कॉलेजेस. ठीक है, सेम वे यहाँ पे 70% भी कॉलेज अकाउंट मिलेगा. 6 लाख का पैकेज चाहिए तो ग्रेट, गो अहेड, वहां जाके अच्छा करो, जॉब मिलेगा 6 लाख का. टॉप 10, टॉप 20 में एवरेज सैलरी इज 5 लाख इन दीज कॉलेजेस, एवरेज सैलरी इज 5 लाख विद अगेन स्टार, अगर प्लेसमेंट मिला तो. ओके, नाउ मुझे कोई नहीं पूछेगा 85 पे क्या मिलेगा, 95 पे क्या मिलेगा. ठीक है, ये टॉप 10 टॉप 20 जो कॉलेज है यहाँ पे मैंने लिस्ट पूरा डाला, वहां क्यों जाने का, ये रहना आपके सामने. दिस इज टॉप 10, दिस इज टॉप 15, दिस इज टॉप 20, दिस इज टॉप 25. ये टॉप 25 टॉप 30 कॉलेज का लिस्ट आपके सामने है. ठीक है, विद्या अलंकार, अथर्वा, वादिया कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ, अलके दिनेश मोदी, ये सबको एडमिशन दे देंगे. जब बस तुम बस कॉलेज में कॉल करो, वो आपको PGDM के लिए टू बाय द फॉर्म, थोड़ा वो नाटक करेंगे, नहीं नहीं GD करेंगे, PI करेंगे, हम प्रोफाइल देखेंगे, घंटा कौन देखने वाला, सबको एडमिशन देगा वो, तो सबको एडमिशन मिल जाएगी. नौकरी की बात मत करो मेरे साथ, नौकरी चाहिए ढंग की तो सिर्फ टॉप 4 कॉलेजेस, JB, सिडनम, विलिंकर, SIS, डालमिया, पुम्बा, ये टॉप 6 में जाके तुम्हें अच्छा पैकेज मिलने का बहुत बढ़िया चांस है. उसके नीचे कॉलेजेस में तुम्हारा टैलेंट दिखाना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो MET IAS इंदिरा से करके यूट्यूब चैनल खोल दो. एक है, एक आदमी खोल के बैठा भी हुआ है कि चलो नौकरी ना लगे तो यूट्यूब तो है अपना, थोड़ी बहुत इनकम आ जाएगी वहां से. ठीक है, तो वो आप टाइम पास. माई रिकमेंडेशन इज अगर हिम्मत है तो रुको, नहीं तो यू आर गेटिंग इनटू डिसेंट कॉलेज, आप ले लो. वहां जाके फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा टू गेट द टॉप जॉब, या बिकॉज प्लेसमेंट कैन ओनली बी 50-60%, तो टॉप 50% बैच में आपको आना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज IMS का ग्राफ, दिस इज अ PGDM का ग्राफ. तो अगर कोई मुझे चैट पे अभी नीचे कमेंट में डालेगा, प्लीज पोस्ट कि मुझे विलिंकर मिल रहा है, मैं जाऊं कि ना जाऊं. ठीक है, उसका आंसर मैं अभी आपको देता हूं. भैया अगर एनर्जी है रुकने का तो वेट करो, फाइन. प्लीज कंसिडर, डोंट कंसिडर मी टू बी गूगल कि मेरा क्या होगा, कि मैं ये कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये टेबल. यार अगर तुम ये टेबल नहीं पढ़ सकते तो आई एम वेरी सॉरी. ठीक है, उससे अच्छा भी MBA ना करो. तो टेबल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर एवरीवन. ठीक है, मुझे जो कमेंट आने चाहिए कि मुझे ये कॉलेज मिल रहा है, मेरा मन रिपीट करने की हिम्मत नहीं है, तो मैं क्या ये ले लूं, आई विल रिप्लाई येस और नो. आई एम ओनली गोइंग टू रिप्लाई नाउ येस और नो टू एवरी कमेंट आई गेट. ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट दैट कि आई एम ट्राइंग टू बी रूड, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू. यार मुझे सुबह से मेरा गला दर्द हो रहा है बोल बोल के. ओके, सो दिस वीडियो आई थिंक इज सेल्फ सफिशिएंट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट.